नमस्कार साथियों, मैं ललित शर्मा, बिजनेस कोच और एक माइंड ट्रेनर। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में सफल होना जितना आसान है पहले कभी नहीं रहा, क्योंकि हम हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को तब बेच पाते हैं जब हम लोग मैक्सिमम लोगों तक हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचा पाते हैं। और आज जो सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग है, इस काम को करने में हमें बहुत आसानी कर रही है। इवन अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है और आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर सकते, फिर भी आप इस सिस्टम का यूज करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को हर आदमी तक पहुंचा सकते हैं जो आपके इस प्रोडक्ट को लेना चाहता है। तो आज का मेरा वीडियो यही है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या है और कैसे आप इसे सीख सकते हैं और कैसे आप अपने बिजनेस को इसका यूज करके बहुत बड़ा कर सकते हैं। यदि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग से मैंने अपने बिजनेस को भारत के कोने कोने में फैलाया और मैंने बहुत कम समय में अपने बिजनेस को बहुत ऊंची बुलंदियां दी। और ये आप भी कर सकते हैं, बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। आखिर डिजिटल मार्केटिंग है क्या? आप ऐसा समझे कि मार्केटिंग का मतलब वही ट्रेडिशनल तरीके जो हम लोग अब तक यूज करते आए हैं, पंपलेट, टीवी एड, न्यूज़पेपर एड, रेडियो या घर डोर टू डोर मार्केटिंग। हमारे प्रोडक्ट और सर्विस की इंफॉर्मेशन हर व्यक्ति तक पहुंचाना मार्केटिंग कहलाता है। लेकिन अगर हम इस मार्केटिंग को डिजिटल से करें, हमारा सोशल मीडिया से करें, इंटरनेट से करें, मोबाइल से करें, कंप्यूटर के यूज से करें, तो डेट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग आज इतना बड़ा सशक्त माध्यम बन गया है कि आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में अपने प्रोडक्ट और सर्विस की इंफॉर्मेशन हर व्यक्ति तक पहुंचा सकते हो और आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये, मोस्ट ऑफ लोगों की एक ही प्रॉब्लम है कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग का हमें नॉलेज नहीं है, या हम डिजिटल मार्केटिंग कैसे कराएं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे कराएं। आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है लोगों के सामने। तो मैं आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज करें, और अगर आप टेक्निकल नहीं भी है तो अभी कैसे सीखें और कैसे आप इसको अपना बिजनेस में अप्लाई करें। दोस्तों, आज डिजिटल मार्केटिंग के कई सारे टाइप हैं। आप अक्सर देख रहे होंगे ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग के टाइप भी हैं काफ़ी सारे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, फेसबुक ऐड है या गूगल ऐड है, जहां पर आप अपनी वेबसाइट को रैंक कैसे कराएं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को भी दो प्रकार में बांटा गया है, ऑन पेज और इन पेज। आखिर ये सब चीज़ें हैं क्या? अगर आप इन्हें स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं तो आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने प्रोडक्ट को अपनी सिटी में या अपने क्षेत्र के लोगों को ही दिखाना है, और वो भी एक पर्टिकुलर एज के लोगों को अपना ऐड दिखाना है, तो आप लोग फेसबुक ऐड का यूज कर सकते हैं। अपना फेसबुक पेज बनाएं, उस पर हम लोग कुछ अमाउंट खर्च करके फेसबुक के थ्रू हम हमारे प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर एरिया में टारगेट कर सकते हैं। और दोस्तों, एक है वीडियो स्ट्रीम। वीडियो स्ट्रीम मतलब आप अपनी वीडियोज बनाएं और उन वीडियोज को अच्छे से आप एडिट करें, अच्छे से उसमें ग्राफिक्स डालें, अच्छे उसमें कंटेंट्स डालें, और यूट्यूब के थ्रू और काफ़ी सारे आजकल माध्यम हैं, ठीक है, या आप किसी और माध्यम से भी उन वीडियोज को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को आज के टाइम में टेक्स्ट मटेरियल पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता है, ना ही वो इंटरेस्टिंग होता है। लोग आजकल वीडियो फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और आप उस प्रोडक्ट को अपने शहर ही नहीं, पूरे राज्य और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। अगर आपको सब स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, इसके लिए काफ़ी सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पर सर्च करने पर मिल जाएंगे।
आज YouTube इतना बड़ा माध्यम है जहां पर जाकर आप डिजिटल मार्केटिंग के काफ़ी सारे टॉपिक को आप सर्च करके आप सीख सकते हैं। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट भी हैं जहां पर जाकर डिजिटल मार्केटिंग आप सीख सकते हैं। और यदि आपके पास टाइम नहीं है तो हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग को स्टेप बाय स्टेप सिखाने के लिए हिंदी लैंग्वेज के अंदर हमने कुछ काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स और वीडियोस का कलेक्शन तैयार किया है। काफ़ी ट्यूटोरियल हमारी टीम ने बनाया है, काफ़ी ट्यूटोरियल हम लोगों ने यूट्यूब और दूसरे यूट्यूबर से लिया है, परचेज किया है, और हम लोगों ने एक पैकेज तैयार किया है। अगर आप उन वीडियोस को देखकर भी आप घर बैठे भी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। और कैसे आप वीडियो एडिटिंग करेंगे, कैसे आप वीडियो एडिटिंग करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है, पेन का यूज़ कैसे किया जाता है जिससे आप लिख सकें, आप अपने ट्यूटोरियल कैसे बनाएं ऑनलाइन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको सीखे बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे तो आज मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग की कई सारी कंपनियां हैं जिनको आप एक अमाउंट देकर अपने प्रोडक्ट को डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग पर प्रमोट करा सकते हैं, लेकिन वो मंथली बहुत ज़्यादा चार्जेस करते हैं। आपको 50,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा जब जाके प्रोडक्ट आपका वो मार्केटिंग करेंगे। लेकिन अगर इस पद्धति को आप सीख लेते हैं तो आप अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो आज हमने इस वीडियो का मेरा मेन टॉपिक यही था कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अगर अब तक आप लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया है तो वो लेना स्टार्ट कर दें, चाहे आप किसी थर्ड पार्टी से करवाएं या आप खुद करें, लेकिन करवाएं। अगर आपको नहीं आता है तो आप सीखें। सीखने के लिए YouTube है, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ भी आप नहीं जा सकते तो आप हमसे ट्रेनिंग के वीडियोस मंगा लो, हमसे ये सारे डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक वाइज हम लोगों ने वीडियो कलेक्शन है, उन्हें मंगा कर, उन्हें देख कर आप आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों, जब तक आपकी लर्निंग नहीं बढ़ेगी तब तक आपकी अर्निंग नहीं बढ़ेगी। अगर आपको इन नई टेक्निक्स को सीखा नहीं जा सकता तो आप अपने बिजनेस को बड़ा कैसे करेंगे? आप पंपलेट और ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर करके थक जाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया तक आप नहीं पहुंच सकते बिना डिजिटल मार्केटिंग के। तो यह एक माध्यम है। तो मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार के वीडियो लेके आता रहता हूं मेरे चैनल पे, जहां पर मैं आपको छोटी सी ट्रिक के द्वारा ये बताने की कोशिश करता हूं कि आप इन बिजनेस में इन चीज़ों को अप्लाई करते जाएं। और इस प्रकार के नई नई वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।